नमस्कार, टीना राठौड़ और पीआरजी टीम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात, जहां हम राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं और पहुंचाते हैं उनके मन की बात आप तक। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच मौजूद है राजस्थान की बेहद खूबसूरत अदाकारा और बेहद ही खूबसूरत गायिका दीपिका जी राव। पीआरजी स्टूडियो में आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में और आपके जन्म स्थान के बारे में। जैसे पहले की है कि परिवार में हम तीनों सिस्टर हैं, मेरा एक छोटा भाई है, मेरी मॉम है और पापा तो आपको पता ही है, पापा है नहीं। तो हम लोग जैतारण में रहते थे, हमारा गांव जैतारण है, मतलब पाली की तो हूँ मैं, जैतारण में हम लोग रहते थे। जैतारण में रह के फिर हम लोग, मेरी जन्म स्थिति वहीं पे है, मेरी और मेरे भाई बहनों की वहीं से ही है, जैतारण से ही है जी। तो वहाँ से हम लोग वापस जोधपुर में आए जी। जोधपुर में आके फिर यहाँ से हमने काम चालू किया, फिर थोड़ा बहुत कुछ हुआ, अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ जी। और आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई, दीदी पढ़ाई के बारे में मैं कुछ बोलूंगी तो आप हंसोगे। कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, आप बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा है और ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई ही एक जरिया होता है मुकाम तक पहुंचने का। दी पढ़ाई तो देखो मैंने पढ़ाई की नहीं है, कि मैंने थोड़ी बहुत की है और वो थोड़ी बहुत भी इसलिए की है कि मम्मी डांटती थी, कभी स्कूल नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है, सोती रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत तो मैंने पढ़ाई की है। और पढ़ाई मैंने इसलिए छोड़ी है कि एक दिन मैं स्कूल जाना था मुझे और मैं स्कूल गई नहीं, क्योंकि मैं प्रोग्राम से आई थी, मेरे को नींद आ रही थी, मैं गई नहीं स्कूल। तो फिर मम्मी ने मेरे को मारा, पहली बार लाइफ में मेरी मॉम ने मुझे लकड़ी से और पाइप से मारा जी। तो लकड़ी टूट गई थी तो भी मैं स्कूल नहीं गई, वो मेरा स्कूल का लास्ट दिन था। उसके बाद आप कभी नहीं गए? बिल्कुल मैं कभी नहीं गई, वो मेरा लास्ट दिन था। पढ़ाई में जी, पढ़ाई में रुझान नहीं था आपको? नहीं, रुझान तो था दी, लेकिन बट बचपन से इस लाइन में थी मैं, जब 5-6 साल की थी इस लाइन में हूँ मैं। तो वो कमाने खाना, घर पे पापा कमाते नहीं थे तो कमाने में तो मैं कमाती थी बचपन से, सबसे इस लाइन में मेरे परिवार में से इस लाइन में सबसे पहले मैं आई जी। तो बचपन से इस लाइन में मैं जुड़ गई डांस में, तो या तो आप कमा लो या आप डांस कर लो जी, या पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो जी, ठीक है, दोनों में से एक चीज होता है, या तो कमाओ या पढ़ाई कर लो। बिल्कुल, तो मैं घर की स्थिति देख के मैंने ज्यादातर कमाने में ध्यान दिया जी। जी बिल्कुल, आपके इस कदम को हम अप्रिशिएट करते हैं, आपने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया अपने परिवार की स्थिति को देखकर। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका इस लाइन में आने का कारण आपकी पारिवारिक स्थिति थी? जी वही थी, मैं चीज़ यही थी, अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया था कि मेरे घर पे कोई कमाने वाला था नहीं, कोई कमाने वाला नहीं था। इस लाइन में मैं थी, मेरी बड़ी सिस्टर है, दो बड़ी सिस्टर है, पहले मैं इस लाइन में आई, फिर मेरी बड़ी सिस्टर भी आई इस लाइन में, फिर मेरी मॉम आई, मॉम सिंगर है मेरी, मेरी मॉम आई, फिर मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी वो भी आई, तो वो आके फिर हम थोड़ा थोड़ा मैंने कमाना चालू किया, दीदी ने कमाना चालू किया, ऐसे कर करके थोड़ा मेरा घर अच्छा चलने लगा, मेरा अच्छा घर का मकान भी हो गया था। उस वक्त हम लोग फ्रेंड पर रहते थे, हमारा कोई मतलब, मेरी मॉम आंगनवाड़ी में जॉब करती थी, जो आंगनवाड़ी का जो आटा होता था ना आटा, वो आटा मेरे घर पे आता था, वो मेरी मॉम लेके आती थी सुबह से शाम को, आती थी घर पे और उस आटे से हम लोग खाना खाते थे। ओ, यानी कि बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमजोर, बहुत मेरी नानी ने, मेरी मम्मी ने बहुत दुख देखा है और उसी आटे से हम लोग खाना खाते थे शाम को और फिर हम लोग सो जाते थे, और कभी कभी आटा भी नहीं आता था तो फिर कैसे मांग के पैसे उधार लेके आते थे, तो उससे थोड़ा हमारा घर चलता था जी। हमें बहुत दुख है इस बात का, लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आप आज बहुत ही खूबसूरत अदाकारा के नाम से मशहूर है राजस्थान में, बहुत खूबसूरत गायिका के तौर पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में पहले एज अ सिंगर आई या एज एन एक्ट्रेस? नहीं दीदी, मैं इस लाइन में पहले डांस में आई, मैं स्कूल में डांस करती थी, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, तो 26 जनवरी या 15 अगस्त में मैंने डांस किया था वहाँ पे मेरे स्कूल जैतारण में, तो वहाँ पे एक जैतारण के मेरे सिंगर आनंद वैष्णव जी आगेवा जो मेरे मामा जी हैं, तो वो सिंगर, उन्होंने मुझे डांस करते हुए वहाँ से स्कूल में मुझे देखा, उन्होंने देखा तो बोले ये लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही है, और उनको हमारी स्थिति भी पता थी कि हम लोग बहुत गरीब थे, तो उन्होंने आके घर पे आके बात की कि आप भजन संध्या में मेरे साथ चलो डांस करने के लिए, तो वो हमें साथ में लेके जाते थे डांस करने के लिए, साथ में लेके जाते थे, वहाँ से धीरे धीरे हम लोग थोड़ा बहुत प्रोग्राम करने लग गए। आनंद जी मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा,
वहाँ से हम लोग, मुझे रमेश अंकल मिले, रमेश जी वाली रमेश ना, मेरे अंकल पाली तो, के गायक कलाकार हैं जी। हाँ, वो मेरे अंकल, वो मेरे को मिले वहाँ से, और वहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई डांस की। तो जैसे जैसे स्लैंड डांस, जो मैंने डांस किया, डांस के साथ साथ मुझे सिंगिंग भी, मुझे बहुत पसंद है। मैं सिंगिंग, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि मैं सिंगर बनूँ, रियल में मुझे सिंगर बनना। मुझे अभी भी बस मैं बहुत लास्ट में यही करना चाहती हूँ कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। तो वहाँ से मुझे सपोर्ट किया मेरे रमेश अंकल ने, जो उन्होंने मुझे सिंगिंग थोड़ा बहुत सिखाया, गाना सिखाया, यहाँ ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। आज अगर मेरा सिंगिंग में नाम है तो मेरे रमेश अंकल की वजह से। जी जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपके जो सिंगिंग के गुरु रहे हैं वो रमेश जी माली जी? जी जी बिल्कुल, आपने उनसे सीखा? जी बिल्कुल, मेरे रमेश अंकल गुरु बोलो तो, मेरे अंकल बोलो तो, एक मेरे को बेटी की तरह रखते हैं, उनके बेटी नहीं है, तो मैंने कभी उनको बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी उनको मैंने। जी, बहुत खूबसूरत बात है। थोड़ा और इसी लाइन पे हम बात करेंगे आपके सिंगिंग और एक्टिंग से लेकर। आप डांस करते हुए इंडस्ट्री में आई और फिर रमेश जी माली के साथ रहकर आप सिंगिंग करने लगी, तो एक्ट्रेस कैसे बन गई आप? एक्ट्रेस तो दी, बस मुझे था कुछ, मेरे मन में ऐसा कुछ था कि नहीं यार, मुझे बनना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं जैसे सबको देखती थी ना कि नहीं यार, वीणा कैसेट के गीत ज़्यादा देखती थी उस वक्त, हमारे टीवी पे वही आता था चैनल पे जयतारण में, तो वहाँ से देख के तो मैंने कहा मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। वहीं से मेरा सपना हुआ आगे मैं भी एक्ट्रेस बनूँ, तो फिर मैं भी। जी, तो सिंगिंग में तो रमेश जी माली के साथ आप सिंगिंग कर ही रही थी जी। वीडियो लाइन में आपको लाने का श्रेय किन्हें जाता है? वीडियो लाइन में मेरी मॉम को। जी, कैसे? मेरी मॉम एक कैमरामैन थी, मेरी मॉम कैमरा भी चलाती थी और एक्टिंग भी करती थी। क्या बात है। हाँ, आप तो जानते हो मेरी मॉम। हाँ जी, वो शूटिंग भी करते हैं और सिंगर भी है और एक्टिंग भी करते हैं। तो मेरी मॉम ने मतलब कैमरा चलाना चालू किया, तो फिर मैंने सोचा कि मॉम ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। फिर मॉम ने सबसे पहले मुझे लेके आए इस लाइन में, मॉम ने कहा एक गाना आपके ऊपर करवाते हैं, तो मेरा गाना आया सबसे पहले पायल गड़ा दे, जो चंपे खा जी ने गाया था। तो मैं छोटी सी थी बिल्कुल, आप देखना कभी यूट्यूब पे सर्च करना, छोटी सी थी बिल्कुल, और मेरा लहंगा पहना हुआ हाफ वाला, तो वहाँ से मेरा मुझे अच्छा वीडियो लाइन का अच्छा लगा कि मुझे और शूटिंग करनी चाहिए, मुझे और गाने करने चाहिए। जी बिल्कुल। और ऐसा कौन सा वीडियो था जिससे आपको पहचान मिली एक अभिनेत्री के तौर पर? ऐसा एक वीडियो है, मैं बता देती हूँ, हालांकि मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी इंद्रजीत शर्मा जो वालोतरा में आप जानते हो, वहाँ पे मेरी उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको बोला कि मेरी को गाना है, उन्होंने मुझे बुलाया, बुला के उन्होंने मुझे कोयल बोली रे गाना है, भजन है मेरा जी। तो वहाँ मैंने वो कोयल बोली रे गाया, तो वहाँ से मेरा थोड़ा वो अच्छा हुआ कि नहीं यार, आशापुरा माँ का रियल में आशापुरी माँ की वजह से मेरा कोयल बोली रे इतना चला दी कि आप सब लोग मुझे जान, मतलब कोयल बोली के नाम से जानते हैं। जी, कहीं पे भी जाती हूँ मैं सिंगिंग मतलब डांस करने जाती हूँ, तो बोले दीपिका जी प्लीज़ एक कोयल बोली वाला, प्लीज़ एक कोयल बोली वाला। अब लोग ये भी सवाल करते हैं मुझे कि आपको ये एक ही भजन आता है क्या, आपको ये एक ही भजन आता है क्या, बट मैं करूँ क्या दी, लोगों को पसंद वही आता है, पसंद ही वो फरमाइश ऑलरेडी पहले से दी, वो ही आ जाती है कि दीपिका राव कोयल बोली रे भजन करके। तो उन लोगों को कैसे मैं बताऊं कि मुझे भजन आते हैं और भी आते हैं, लेकिन ऑलरेडी फरमाइश आ जाती है मुझे कोयल बोली की, तो फिर मुझे वो गाना पड़ता है, और मेरे ज्यादातर यूट्यूब पे वही कोयल बोली रे कोयल बोली, बस एक ही बस जी, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पहचान उस गाने से मिली। हाँ जी, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक टैगलाइन लग ही जाती है। सिंगर के तौर पे ले लीजिए या अभिनेत्री के तौर पे ले लीजिए, लग ही जाती है टैगलाइन। जो आपका पहला प्रोजेक्ट होता है और फेम हो जाता है वो हमेशा सबको याद रहता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये सुना है कि बहुत शरारती किस्म की लड़की है, ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी शरारतें हैं आपकी? मेरी शरारत यही है कि मेरी मॉम है और मेरी बड़ी सिस्टर दो है, एक में से छोटा मेरा भाई है किशन, तो घर पे सब स्ट्रांग है, मेरी मॉम स्ट्रांग है, मेरी दीदी प्रीति दीदी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, और मैं शुरू से चुलबुली रही, शुरू से हंसी मजाक करती रही, सबको हंसाती रही करती रही, तो मेरे को सबसे ज़्यादा घर पे मतलब क्या बोलते हैं लाडली, मारवाड़ी में लाडली, जी जी बिल्कुल, वो मारवाड़ी वो सबसे लाडली मेरे घर में जी। तो मुझे लाड के चक्कर में उन्होंने मुझे कुछ बोलते नहीं थे, मैं कुछ भी करती थी कुछ बोलते नहीं थे मेरे को, मॉम कुछ नहीं बोलते, तो शुरू से मेरे को लाड के चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा इतार दिया उन्होंने और मैं इतर गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसी शरारत जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ है ना, मैं जब छोटी थी
तो मेरे को गाना वाना नहीं आता था, बहुत छोटी थी मेरे को गाना वाना नहीं आता था। मम्मी ने कहा दीपू एक गाना गा तू, मेरे को गाना सुना मेरे को। मुझे कौन सा गाना है ना, हिंदी आता था, मारवाड़ी कुछ नहीं आता था हिंदी। तो जैसे आप चेयर के ऊपर बैठे हो तो एक ही गाना गाती थी, एक कुर्सी नाचे, एक टेबल नाचे, एक मतलब जो भी सामने आ जाता था, एक टीवी नाचे, बस ये गाना आता था, बस मैं यही बोलती थी, एक लोटो नाचे। ये बस ये गाना मैं करती थी। जी जी बिल्कुल, बहुत चुलबुली सी रही है आप, बहुत अच्छी बात है ये। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल है, हमारे साथ में जितने भी यहाँ पे फीमेल एक्ट्रेस कह दीजिए सिंगर्स आई हैं, हमने उनसे ये सवाल किया, तो आपसे भी पूछेंगे। हाँ जी, आपके अलावा आपके पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है? दी पसंदीदा मेरे लिए सब अच्छे हैं, जैसे मेरे से जो बड़े होंगे ना, जैसे आप भी मेरे से बड़े हो, तो आप मेरी बड़ी सिस्टर हो, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मेरे से छोटी है और भी, जैसे ट्विंकल वैष्णव है, नूतन जी है, तो नूतन जी मेरे से बड़े हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी सिस्टर के जैसे है, और ट्विंकल है तो वो मेरे से छोटी है, तो वो मेरी छोटी सिस्टर के जैसी है। मेरे को सब अच्छे लगते हैं, मेरे को किसी से कुछ अच्छा, प्रॉब्लम। इन सब में काम का भी आपका यही क्राइटेरिया है या काम आपको किसी एक का पसंद है? काम तो मुझे सबका पसंद है। काम देखो सब मारवाड़ी काम करते हैं, मैं भी मारवाड़ी काम करती हूँ, नूतन जी भी मारवाड़ी काम करते हैं, ट्विंकल जी भी करती हैं, तो ये सब काम मुझे सबसे अच्छा सबका अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब आपने दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है आपका सिंगिंग से रिलेटेड है कि अगर आपको मौका, सबसे पहले तो ये सवाल हम करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दूसरा सवाल करते हैं कि आप सिर्फ राजस्थानी गाना पसंद करती हैं या राजस्थानी के अलावा भी आप कुछ गाना चाहती हैं? दी मैं हिंदी भी गाती हूँ, ऑर्केस्ट्रा कहीं पे ऑर्केस्ट्रा होती है तो वहाँ मैं हिंदी भी गाती हूँ। मेरी मॉम ने मुझे हिंदी गाने सिखाए हैं 2-3, तो मैं हिंदी भी गाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं भजन और मारवाड़ी पे जोर देती हूँ। जहाँ तक होता है कि मुझे, क्योंकि मेरा काम भजन संध्या का दी, मैं रमेश जी के साथ काम करती हूँ, उनका भजन संध्या वाला काम है, तो मेरे को ज़्यादातर भजन पे ज़्यादा जोर है, मैं भजन पे ज़्यादा जोर देती हूँ। और हमारे सज्जन सिंह जी जो सर है, उनकी वजह से वो मुझे मारवाड़ी पे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनकी वजह से मैं मारवाड़ी पे अभी कर रही हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। एक सवाल और है, जाहिर सी बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पसंदीदा गायक कलाकार कौन है, तो आप रमेश जी मालिक का नाम लेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है आपसे कि आपके गुरु जी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो एक पुरुष कलाकार और एक महिला कलाकारा सिंगर में आपको कौन पसंद है? सिंगर में वैसे मुझे सब सिंगर अच्छी है। मैं जैसे आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं सिंगर को, जैसे लेडीज सिंगर को गाते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे को बहुत ऐसा करता है कि खास मैं भी ऐसा गाती, मैं भी ऐसा कुछ करती, मेरे को ऐसा बहुत फील होता थी। मैं उनको गाते हुए देखती हूँ ना, मैं आज मेरी मन की बात बता रही हूँ। मैं उनको जैसे गाना देखती हूँ तो मेरे खुद का इतना मन करता है मैं भी खास इनके जैसा क्यों नहीं गाऊँ, मुझे भी गाना है इनके जैसा, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो एक फील अंदर से दर्द होता है, मतलब रोना चालू हो जाती हूँ मैं। ऐसे कुछ नहीं है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाती है, हम सब सुनते हैं। बट तो भी मैं सुनती हूँ ना, जैसे हमारे आशा जी वैष्णव हैं, सहिदा जी खालवाली, नीता जी नाइक हैं, ये सब सुनकर, इनको सबको देखती हूँ ना, तो मेरा बहुत मन करता है कि खास मैं भी ऐसा गाऊँ, मैं भी लेडीज, मतलब क्या बताएं, मैं सब डांस करते हैं ना अपन, तो डांस के लिए ऑर्नामेंट्स, कपड़े, पूरा बैग भरना पड़ता है हम लोगों को। बाहर का भी टूर होता है तो पूरा बैग भर के हम लोगों को जाना पड़ता है। और एक सिंगर होती है ना, सिंगर जिसमें एक ड्रेस डाली अंदर और हल्का सा मेकअप किया, हल्का सा किया और चलो रवाना है, बेक अपन उचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब बस ये सोचती हूँ, मैंने कहा खास मैं भी होती तो मैं, मेरा भी छोटा सा बेक होता। अच्छा, तो आप अपने आप को सिंगर कहीं इसलिए तो नहीं देखते कि बहुत बड़ा बैग ले जाने से बच जाऊंगी? नहीं दी, और वैसे मैं डांस से थोड़ा हो भी गई हूँ, परेशान भी हो गई हूँ कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, मेरे छोटा सा बेग चाहिए मुझे और एक छोटी सी ड्रेस चाहिए, मतलब मारवाड़ी ड्रेस चाहिए और छोटा सा हल्का सा मेकअप कर लूँ और वो पहन लूँ और सिंगर बन जाऊँ, स्टेज पे खड़ी हो जाऊँ, बस जी, ये चाहिए मुझे बस। बिल्कुल, आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को एक अभिनेत्री से कहीं ज़्यादा एक गायक कलाकार के रूप में देखती हैं। बहुत बढ़िया। अगर हमारे इंडस्ट्री से बाहर जाके बात करें तो किसी बॉलीवुड सिंगर के साथ आपको गाने का मौका मिले तो वो सिंगर कौन होंगे और कौन सा गाना आप गाएंगे? जी बॉलीवुड की तो बात तो क्या पता, फिर भी कोई कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैठे बैठे सोचते हैं ये गाना बहुत खूबसूरत है और अपने आप को, जब हम सिंगर नहीं है फिर भी हम सोचते हैं कि हम किन्हीं के साथ खड़े होकर ये गाना गा रहे हैं। आप तो सिंगर हैं
मैं कभी कभी नेहा कक्कड़ को सुनती हूँ ना, तो मुझे भी मन करता है कि इसके जरा मैं भी स्टूडियो में जाके बैठी रहूँ और मेरा भी माइक ऐसे लगा हो रहे और सेल्फी वीडियो बनाते रहे। हाँ, ऐसे वीडियो मेरी ये इच्छा है कि मैं भी उसके उनके जैसा गाऊँ और मेरा भी पास में गिटार उतार बजाया, ड्रम बजाया, कीबोर्ड कोर्ड वोर्ड कुछ भी कर रहे थे और मैं गाऊँ आराम से मस्त होकर गाऊँ नेहा कक्कड़ की तरह जैसे। बस मेरी ये बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चलिए थोड़ा सा हम सीरियस मैटर पे आते हैं। हाँ जी। बहुत सारी बातें हो गई। हाँ जी। लोगों ने वो बातें जानी जो वो पहले से जानते हैं। अब वो बातें जानने की कोशिश करते हैं जो लोग नहीं जानते। हाँ जी। जो सिर्फ आप जानते हैं। हाँ जी। आप लंबे समय से पीआरजी में काम करना चाहते थे। हाँ जी। लेकिन आप अपनी इच्छा के बावजूद पीआरजी में काम करने के लिए बहुत लेट आई, इसका क्या कारण रहा है? कारण तो कुछ नहीं थी, कारण तो ये था कि मैं भजन संध्या करती थी कंटिन्यू। मेरे रमेश अंकल की इतने प्रोग्राम आ जाते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता भजन संध्या, उनके मतलब बाहर के ज़्यादा टूर आते हैं, तो उस वक्त मैं प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा जोर देती थी उस वक्त। तो सर के कॉल भी आते थे मेरे पास, सर का कॉल आया था, मैं बहुत खुश हुई कि मैं पीआरजी में काम करूँगी। मेरी इच्छा थी पीआरजी में काम करने की जी। और उस बीच में आपने काफ़ी लंबे समय तक दूसरी कंपनीज में शूटिंग करी है। हाँ जी बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कंपनी मोनोपोली है। हाँ जी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मीडिया के सामने या पूरी दुनिया के सामने हम ये बात कह रहे हैं, बट कंपनी मोनोपोली है अपने हाँ अपने आर्टिस्ट की। जैसे पीआरजी के पास कुछ अपने ओनली पीआरजी का टैग लगा था, हाँ कुछ आर्टिस्ट हैं। हाँ। दूसरी कंपनीज में ओनली वाला सिस्टम नहीं था, बट ये था कि ये हमारी ही कंपनी के आर्टिस्ट है। तो उस समय से लेकर आज आप ओनली पीआरजी है। हाँ जी। तो क्या आपके वो पुराने ओनली वाले रिलेशन पे कुछ फर्क पड़ा? फर्क तो कुछ नहीं है। क्या है तो मुझे मेरी खुद की इच्छा थी कि मेरी फोटो पे ओनली पीआरजी लगे, शुरू से ये इच्छा थी जी। बट सर का कोई कॉल आया नहीं तो मैंने कहीं और काम करने लग गई। मैं कहीं और काम किया तो मैंने फागण भी गाए, मेरे फागण भी हिट हुए, MHD में मैंने जो गाने गाए थे वो भी हिट हुए, तो वहाँ से थोड़ा और भी मेरा अच्छा हुआ। जो भी गाना मतलब कोयल बोली ने भी आया था मेरा, तो वहीं से भी मेरा जो भी हुआ वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरी शुरू से मैं काम तो वह करती थी, लेकिन इच्छा यही थी कि मेरी फोटो पे ओनली पीआरजी लगे। बहुत बढ़िया, बहुत। और मेरी इच्छा ये पूरी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ जी। एक सवाल और है। हाँ जी। थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिएगा। हाँ जी। आज आप ओनली पीआरजी का टैग लगा के काम कर रही जी, कल को किसी बड़ी कंपनी से कोई बड़ा ऑफर आपके पास आता है, उस कंडीशन में आपका क्या फैसला है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी से मेरे पास आते भी हैं, मैं आपको बता देती हूँ जी। मेरे पास कॉल आते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, कॉल आते हैं कि आपकी फ़ोटो पे ओनली पीआरजी लगा हुआ है, आप क्या वहीं पे भी काम करोगे या आने का विचार है या नहीं आपका? या तो हाँ या ना का जवाब दे दो आप मुझे। अगर आपको शूटिंग करनी है तो हाँ या ना का दे दो। ना मैं ना हाँ बोलती थी, ना मैं ना बोलती थी। ऐसा क्यों? मतलब उनको आपने कुछ जवाब दिया? क्योंकि जवाब ये दिया ना, जवाब इसलिए नहीं दिया मैंने मैम कि सर मेरी फ़ोटो अपलोड करते थे पीआरजी में, मेरी फ़ोटो अपलोड होती थी, उसमें मेरी फ़ोटो में ओनली पीआरजी नहीं लिखा हुआ था। तो शायद मुझे ऐसा लगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, सर की इच्छा नहीं है या किसी की इच्छा नहीं है कि मैं ओनली पीआरजी में काम करूँ, इसलिए मेरी फ़ोटो पे ये नहीं लिखा ओनली पीआरजी। तो इसकी वजह से मैं उन लोगों को सिर्फ हाँ ना हाँ ना हाँ ना जवाब देती थी। अच्छा, आप खुद असमंजस में थी कि मैं बाहर काम करूंगी कि नहीं करूंगी? नहीं करूं। हाँ। फिर ये क्लियर कब हुआ आपका? क्लियर सर से बात हुई जी। सर से बात हुई थी मेरी। सर को मैंने बोला, मैं सर मैं कहा अब मैं जाऊंगी दूसरी जगह काम करूंगी। मुझे मेरी बड़ास निकाल ली थी बाहर जी, मैं जाऊंगी दूसरी जगह काम करूंगी। ये यस क्यों? मैं कहा मेरी फोटो आप अपलोड करते हो उसके अंदर आप ओनली पीआरजी नहीं लगाते, आपके विचार क्या है? मैं कहा ये बताओ आप कि बाई चांस में आपका तो गुस्सा ऐसा है, सर ने मुझे आपका गुस्सा ऐसा है कि मैं फोटो पे, चलो आपकी फोटो पे मैं लगा देती हूँ ओनली पीआरजी लगा देता हूँ, बाई चांस आपका गुस्सा और थोड़ा और तेज आ गया और बाई चांस तो मेरा क्या होगा? सर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत करो, बस आप बस मेरी फोटो पे ओनली पीआरजी का टैग लगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। कहीं ना कहीं ये पीआरजी का जुनून था जी। चलिए, जब मेरी फर्स्ट मेरा गाना भी आया था ओनली पीआरजी में, अगर वो था पिया आओ तो जी जी, वो मेरा फर्स्ट गाना था पीआरजी में, तो आपको पता मैंने लाइव वीडियो भी किया था फेसबुक पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने लाइव वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि आज मैं पीआरजी में काम कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल, हमने देखा था आपका वीडियो। और एक बात कहना चाहेंगे कि
अब पहले भी हमें बहुत खूबसूरत लगती थी, ये हमारे पर्सनल व्यूज है, ये हमारे दर्शकों की तरफ से नहीं आए, ऐसे कुछ आए होंगे वो मानते होंगे, बट हम अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं कि थैंक यू सो मच, हम आपको बहुत खूबसूरत अदाकारा मानते हैं और आप सच में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और आप ऐसे ही खूबसूरती से आगे ढेर सारा काम करते जाएं। लेकिन हाँ, एक बात और, आप जितनी खूबसूरत पहले लगती थी, अभी हाल ही में आपके जो ये दो चार प्रोजेक्ट आए, आप उनमें माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। थैंक यू दीदी, रहा नहीं गया बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने और भी इंटरव्यूज लिए हैं हमारी फीमेल आर्टिस्ट और उनको ऐसी बात नहीं कही, शायद मार पड़ जाए हमें। नहीं नहीं ऐसा कुछ, लेकिन जो है वो तो आपको, आप भी मेरे जैसे ही हो, जो है मुंह पे बोलो। जी जी बिल्कुल, जो अगर आप किसी से नाराज भी हो तो मुंह पे बोलो, अगर आप किसी से हंस खुश भी हो तो भी मुंह पे बोलो, आप मेरे जैसे हो। जी बिल्कुल, आई पर्सनली लाइक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। जब आप इस इंडस्ट्री में आई, चाहे एक सिंगर के तौर पे ले लो, चाहे एक अभिनेत्री के तौर पे ले लो, और लाइव शोज भी ये करती हैं और आप बहुत स्टेज पर भी बहुत खूबसूरत और सोबर काम करती हैं, तो क्या आपको किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा था? कुछ ऐसे लोग मिले हो जिन्होंने आपको परेशान किया हो, या कुछ ऐसे लोग मिले हो जिन्होंने आपको बहुत हेल्प करी हो? रमेश जी माली के अलावा, जाहिर सी बात है वो आपके गुरु रहे, उन्होंने मदद की होगी। उनके अलावा मैंने कहीं और काम किया भी नहीं, मैंने किया काम बट मुझे किसी ने कुछ रोका टोका कुछ नहीं, ना किसी ने कुछ बोला, क्योंकि मैंने शुरू से ही, मैं पहले भजन संध्या मतलब करती थी ना, तो मैंने पहले जीन्स पहन के जाती थी, और जब डांस भी करती थी ना छोटी थी तो मैं ब्लाउज पहनती थी उस वक्त, तो ब्लाउज पहनती थी वहाँ से। फिर रमेश अंकल के साथ में जब जुड़ी थी ना मैं, तो रमेश अंकल ने मुझे बोला कि बेटा थोड़ा आप कुर्ते पहन के, अब तुम कुर्तियाँ सिलाओ। मैं कहा, मैं रमेश अंकल ने जो भी बोला, रमेश अंकल ने, आपने नाम लेना, आपने बोला रमेश अंकल के अलावा, बट मुझे बोलने वाले वही है, तो मैं उनका जी, जी। कि उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप कुर्ती सिलाओ और प्रोग्राम में सूट पहन के आओ जी। तो उनकी वजह से मैंने कुर्ती पहनना चालू किया और सूट पहनना चालू किया जी। हमारे पास में आपकी पुरानी पिक्चर्स है जो आपने ब्लाउज वाली बात करी, हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे ये इनकी पुरानी ब्लाउज वाली पिक्चर और आज का रमेश जी के कहने के बाद जो इनका खूबसूरत सा जो गेटअप है, हम दोनों पिक्चर्स आपको दिखाएंगे। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी खूबसूरती की बात हो गई, काम की बात हो गई, परेशानियों की बात हो गई और सहयोग की बात हो गई। हाँ जी, उसके अलावा हम ये चाहेंगे कि अगर फ्यूचर में आपको ये बात कही जाए कि आपको सिंगर ना बनके हम ये चाहते हैं कि आप एक एक्ट्रेस के तौर पर ही आगे बढ़ें और हम आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका देंगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसमें अगर दी सिंगिंग का अगर नहीं होगा, एक्टर का होगा, तो आपको पता है एक्टर की ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। हाँ, फेस वैल्यू है तब तक है। हाँ, जब तक फेस है, जब तक जी, एक्टर जी, की है जी। और सिंगर की अगर आप, जरूरी नहीं फेस वेस कुछ नहीं, सिर्फ सिंगिंग होनी चाहिए सिंगर की, तो मैं सिंगर का ज़्यादा करना चाहूँगी। जी बहुत बढ़िया। एक पर्सनल सवाल है हमारा आपसे, आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं ऐसे भी, और जब रेडी होती है तब भी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऑफर्स आपके पास में आते होंगे। पर्सनली नहीं बात करेंगे हम इस पर, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उसी सिलसिले में शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं? दी, शादी तो मैं नहीं करना चाहूँगी। मैं जब तक, मेरे एक सपना है, जब तक मैं सिंगर नहीं बन जाऊँ, जब तक मुझे शादी नहीं करनी। अगर आप सिंगर नहीं बनी तो? नहीं बनी तो मॉम की जो इच्छा है वो पूरी करूंगी। शादी तो करेंगे मतलब? हाँ, जो घर वालों की इच्छा है, मेरे भाई की इच्छा है, मेरी बहनों की इच्छा है, मेरी मॉम की इच्छा है, मेरी बेटी दुल्हन बने, मैं उनको देखूं जाते हुए, ऐसे कुछ मॉम की इच्छा है वो तो मैं पूरी करूंगी। लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जितना जोर रहेगा उतना मैं ये करने की कोशिश करूंगी कि मुझे सिंगर बनना है पहले और फिर मुझे शादी करनी है। बहुत बढ़िया। तो आप लव मैरिज करना चाहेंगी या आप अरेंज मैरिज के फेवर में? जहाँ पे मेरी फैमिली खुश हो वो चीज़। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे हैं जी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपसे आपके गानों की कुछ लाइनें ना गवाएं। हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे और हम भी सुनना चाहेंगे, आपका अपना पसंदीदा कोई भी एक गाना, उसकी चंद लाइनें आप सुना दीजिए प्लीज। किसका, कौन सा गाना? जो भी आपको खूबसूरत लगे, आपका अपना, जो आपको खुद को पसंद हो कि ये गाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो जो आपकी इच्छा। आपके राजस्थानी गाने दर्शकों ने खूब सुने हैं, आपके प्रशंसकों ने सुने हैं, हम लोगों ने सबने सुने हैं, आज हिंदी गाना गा के बताइए आप कोई भी जो आपको बहुत पसंद हो। लग जा गले के फिर ये
हसी रात हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले गले। क्या बात है, जैसा कि शुरू से हम कह रहे हैं बहुत खूबसूरत गायिका है, और अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहें। मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना कुछ आगे बढ़ाया। आप लोग आज अगर मैं हूँ इस अभी यहाँ जहाँ पर बैठी हूँ, इसकी वजह सिर्फ दो चीज़ है, एक तो आप लोग हो और एक PRG है जो सज्जन सिंह जी जो सर है, हाँ हमारे सुदर्शन जी वगैरह जो है ये बैठे, उनकी वजह से मैं हूँ दो। और मैं बस यही चाहूँगी कि मेरे गाने आप प्लीज़ देखते रहिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए, और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सिंगर बनना है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे सिंगर बनना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को एक ही गाना आता है, एक ही भजन आता है कोयल बोली ने ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे और भी भजन आते हैं, बस मुझे गाने का मौका दिया करो आप लोग, बस पहले से ही कोयल बोली रही तो फिर वो एक ही भजन गाना पड़ता है आप लोगों की वजह से मुझे, तो प्लीज़ मुझे सिंगिंग में सपोर्ट करिए, और मेरे गाने जो भी जितने भी PRG में आ रहे हैं वो देखें और आगे से आगे शेयर करिए और मुझे खूब बड़ा बनाएं, थैंक यू। जी दीपिका जी, ज़रूर दर्शक आपको सपोर्ट करेंगे सिंगिंग में खास करके, और अभिनेत्री के तौर पर भी सपोर्ट करें हम ये चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करती है, और अगर दोनों फील्ड में एक साथ आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात होगी ये, और हम सभी दुआ करेंगे कि आपके सिंगिंग के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में आए और ढेर सारे लोग उसे स्नेह दें। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आप स्टूडियो पधारे। थैंक यू जी। तो ये थी खूबसूरत अदाकारा और खूबसूरत आवाज की धनी दीपिका जी राव। इसी तरह से हम राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए PRG की टीम और टीना राठौड़ के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जीवन दर्पण मन की बात में। नमस्कार।